आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि अपने सिस्टम में क्रोम ब्राउज़र कैसे इंस्टॉल करते हैं और कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो सिंपल से प्रोसेस है, आप गूगल में जाइए, जैसा मैंने पहले ही बताया था। ये देखिए गूगल है मेरा, यहाँ पे लिखिए फ्री डाउनलोड क्रोम लिखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने का, बहुत से ऑप्शन है, आप किसी भी ऑप्शन में जा करके क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा डाउनलोड किया हुआ है और मैं आपको आज दिखाऊंगा उसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और क्रोम में यूज़ करके आप किस तरह से अपने आइडेंटिफिकेशन को इंटरनेट से छुपा सकते हैं। ये सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्रोम है, अभी मैं इसको इंस्टॉल करूँगा जस्ट डबल क्लिक करके। मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। वे देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर, इंस्टॉलेशन चालू होने के बाद ये कुछ नहीं करना, वो सिंपल जब कनेक्टेड होता है, जब ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा तो ये इस तरह से ब्राउज़र खुल के आपका आ जाएगा। ये ऐप्स का ऑप्शन है, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट ऐप्स मिल जाएंगे। आप जहाँ पे जाना चाहते हैं, यूट्यूब में या जीमेल में, माई अकाउंट, मैप्स, न्यूज, आप जो भी कुछ यहाँ से चाहते हैं, ब्लॉगर में जाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट में जाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में, तो सिर्फ यहाँ पे वन क्लिक आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये एक पहला फीचर्स है। दूसरा फीचर्स है, इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास अगर आप दो आईडी मेंटेन कर रहे हैं, फेसबुक अगर दो आईडी मेंटेन कर रहे हैं और आप दोनों अगर एक टाइम पे खोल के देखना चाहते हैं, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शंस होता है। ये यह देखिए यहाँ पे जब थर्ड ऑप्शन आएंगे, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, जब इसको आप क्लिक करेंगे ये आपका विंडो इस तरह से खुल के आएगा और यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे फेसबुक, जीमेल, जो भी कुछ खोलेंगे यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है कि इंटरनेट में, या आपके इंटरनेट में तो रिकॉर्ड रहता है, आपके सिस्टम में ये यहाँ पे जो भी चीज़ आप यूज़ करेंगे उसका कोई भी फाइल सेव नहीं होता है, ना पासवर्ड सेव होता है। अगर आप किसी दूसरे के कंप्यूटर में बैठे हैं और दूसरे के सिस्टम में आप सपोज़ कि आप चाह रहे हैं कि अपना बैंक अकाउंट चेक करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, और आप चाह रहे हैं कि मेरा डिटेल्स उसको पता भी ना चले, तो सिंपल सा है, आप गूगल में, ये क्रोम में जा कर के इनकॉग्निटो फाइल को खोलिए, एक अलग से एक ब्राउज़र को खोलिए, प्राइवेट ब्राउज़र भी इसको कहते हैं हम लोग, और यहाँ पर जा कर के आप जो भी चीज़ यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, आप जो भी साइट टाइप करना चाहते हैं आप वहाँ पे टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद जब आपका काम हो जाए इसको बंद कर दीजिए, आपका जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ भी आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगा, चाहे आपका यूज़र नेम हो, पासवर्ड हो, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसी के लिए बनाया गया, ये प्राइवेट ब्राउज़र यूज़ करने के लिए ही बनाया गया है और एक बहुत ही अच्छा फीचर से क्रोम का, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताएं, और जो मेरा विज़न है, सीखते रहें, दूसरों को सिखाते रहें। थैंक यू दोस्तों हमारे इस वीडियो को देख